दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको राशन कार्ड अपना डाउनलोड करना है दोस्तों, तो आप अपना मोबाइल या पीसी या लैपटॉप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा लेट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, आपको क्रोम ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों, सर्च करना है यहाँ पे राशन कार्ड डाउनलोड। ठीक है, जैसे राशन कार्ड डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे बहुत सारा साइकन हो जाएगा। बट आप कोई भी स्टेट का अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो NFSA बोल के ये वाला जो ऑप्शन है पोर्टल, इसमें क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग इस पोर्टल पे आ जाएगा, तो आप लोग के पास कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखने में मिल जाता है। ये नेशनल फूड सर्विस पोर्टल है दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है दोस्तों। यहाँ से आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, राशन कार्ड बेनिफिशियरी अंडर NFSA का ये ऑफिशियल साइट में आना है, और जो भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में क्लिक करूँगा। फिर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों, आपका जो साइट है ये ओपन होगा। यहाँ पे हाइड एडवांस पे यहाँ पे प्रोसीड भी क्लिक करना होगा। इसको नहीं है, वेस्ट बंगाल का नहीं है, इसीलिए शायद इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जो भी साइड में आप देखिए, यहाँ पे जैसे आप बिहार का डाउनलोड कीजिएगा, मैं और एक साइड दिखा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। फिर आपको यहाँ पे ओके करना है। तो जैसे दोस्तों बिहार का यहाँ पे कीजिएगा, तो आप लोग को कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पे अपना जिला जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं आज बंगाल का करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप अपना स्टेट जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुरुलिया का दूंगा, तो पुरुलिया पे मैं क्लिक करूँगा। फिर पुरुलिया के बाद दोस्तों, यहाँ पे तहसील या ब्लॉक नेम जो होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे जयपुर, पुरुलिया, पारा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी एक मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखेगा। आप दोस्तों जयपुर ब्लॉक में आपका जो भी नेम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दीपक कुमार बुखारजी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो डीलर है आपका, वो PFS नेम जो है डीलर, उसका यहाँ पे आपको दिखने में मिलता है। ठीक है, तो आपको अपना जो डीलर है उसमें आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना जो है, मैं फारूक बोल के किसी को भी यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें मैं क्लिक करूँगा। जैसे इसमें मैं क्लिक करूँगा, तो इस डीलर पे जो भी नेम है मेरा, वो आपको यहाँ पे डीलर वाला नेम यहाँ पे दिखने में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके अपना जो नेम है उसको आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे आप खोज लीजिएगा, यहाँ पे आपको और भी पेज रहेगा, तो सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसे करके आपको खोजना पड़ेगा। आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप अपना नेम यहाँ पे खोज लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये वाला जो है ये राशन कार्ड नंबर है दोस्तों, इसमें आपको क्लिक करना है और अपना जो है आप अपना राशन कार्ड को डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपना राशन कार्ड नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ से राशन कार्ड जो नंबर है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, बट यहाँ पे दोस्तों आपको राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्च योर डिजिटल राशन कार्ड, यहाँ पे सिटीजन पे जाके यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ये जो कैप्चर डाला हुआ है दोस्तों, ये कैप्चर पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करिएगा, तो आपका जो डिटेल्स है वो राशन कार्ड का कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, डाउनलोड ई राशन कार्ड में क्लिक करना होगा। फिर इसमें दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे जो कैप्चर डाला हुआ है, सेम प्रोसेस है, हर एक स्टेट का, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको फिल करके सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे सर्च में क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपका पूरा डिटेल्स दिखने में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड ERC में क्लिक करना है। फिर इसमें दोस्तों आना है, इसमें डबल क्लिक कर देना है आपको ओपन करने के लिए। यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो आपका जो डिजिटल राशन कार्ड है वो आप यहाँ पे मिल जाएगा दिखने में। आप लोग देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से अपना जो राशन कार्ड है इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।